मंगल शनि आपस में शत्रु हैं, तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि काला और लाल कपड़ा कंट्रास्ट में आप पहन लें? वो तो दोनों विपरीत हो गए। मंगल शनि आपस में खून खराबा दे सकते हैं, तो अगर आप लाल और काले कपड़े एक साथ पहनेंगे जबकि आपकी लग्न के हिसाब से वो अशुभ हैं, तो आपको तो घाटा ही घाटा होगा। ऐसे ही आप अगर हरे के साथ लाल कॉम्बिनेशन में वस्त्र सिलवाते हैं तो भी आपका अशुभ हो सकता है, क्योंकि मंगल और बुध तो आपस में शत्रु हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कलर का कपड़ा आपको सूटेबल हो सकता है, कौन सा कलर आपको किस कलर के साथ नहीं पहनना चाहिए, कौन सा कलर आपको विपरीत स्थिति दे सकता है, आपको गरीब बना सकता है। बजाय संपन्नता की कामना आपने की, लेकिन आप गरीब ही बन गए, आपको संपन्नता तो मिली ही नहीं। तो हम आज आपको ऐसे कलर कंट्रास्ट बता रहे हैं जिनको आपने वियर कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं बनाएगी, बल्कि पैसों में खेलेंगे आप, सुख सौभाग्य आपका जागृत होगा। बस इन दो कलर कंट्रास्ट के कपड़े आप पहनना चालू कर दीजिए, आपका भाग्योदय होगा। हम और भी कलर आपको बताएंगे, डोंट वरी, हम और भी कलर आपको बताएंगे, लेकिन बेस ये कलर होंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी पूरे अच्छे मन से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, मेरी यही ब्लेसिंग्स उनके साथ में होती है। वो मुझे लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत उत्साहित होती हूँ आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिए। तो आइए आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि कौन से कलर कंट्रास्ट प्रतिकूल होते हैं। मित्रों, लग्न के हिसाब से बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मेष लग्न से प्रारंभ करती हूँ। मेष लग्न वालों के लिए लकी कलर लाल होता है और ऑरेंज होता है और पीला होता है और मैरून कलर भी आपके लिए सही रहेगा। मतलब आप ऐसे कपड़े सिलवा सकते हैं जिसमें रेड का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है या उसमें मैरून कलर शेड है, तो ये कलर आप काम में ले सकते हैं। गोल्डन कलर भी लकी है आपके लिए, पीला कलर भी लकी है। इसके कॉम्बिनेशन में जो आप कपड़े पहनेंगे ना, वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। तो ये कलर कॉम्बिनेशन आपके लिए सूट करेगा। अगर आप हरे रंग का प्रयोग कर लेते हैं तो हरा रंग तो आपके छठे स्थान को रिप्रेजेंट करता है और आपको बीमारी दे सकता है, रोग दे सकता है, कष्ट दे सकता है। इससे बचना है आपको, भगवान ना करे आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट आए, रोग आए या बीमारी आए। मैं इससे आपको बचाना चाहती हूँ, इसीलिए ये एडवाइस आपको दे रही हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं आपका भला चाहती हूँ, मैं आपका निरंतर भला चाहती हूँ, आपको समझना चाहिए। मुझे अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स बहुत प्यारे लगते हैं और सभी यूट्यूबर, मैं सबका भला चाहती हूँ, इसी निमित्त आज का वीडियो बनाया है। इसको पॉजिटिव लीजिएगा। इस कलर कॉम्बिनेशन को आप काम में लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आजमा के देख लिए, जो मेष लग्न है, राशि नहीं कि राशि की बात नहीं करेंगे क्योंकि राशि अलग चीज़ हो जाती है, लग्न और राशि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको कलर चॉइस करना चाहिए, तो आप ये कलर जो मैंने आपको बताया इनका यूज़ करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पिंक कलर का यूज़ हर कोई कर सकता है, पिंक कलर में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पिंक है, रानी कलर है, हर कोई को सूट करता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर कलर आपके लिए अनुकूल नहीं है वैसे तो, लेकिन सिल्वर कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन कलर का आप यूज़ करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। लग्न की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, राशि की बात नहीं कर रही हूँ। लग्न और राशि बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। राशि पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगी, आज लग्न पर ही केंद्रित है आज का वीडियो, तो इसको पूरे मन से देखिएगा। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करना, आपके लाइक से मुझे इतना अच्छा लगता है जितना मैं बता नहीं सकती। मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, आपको बताते हैं वृषभ लग्न के वालों के लिए क्या कलर लकी है। वृषभ लग्न वालों के लिए वाइट ऑफ वाइट कलर बहुत लकी है, ब्लैक कलर लकी है, ग्रीन और मूंगिया कलर लकी है, वो ब्राउन का शेड भी काम में ले सकते हैं, उनके लिए लकी है, नीला रंग भी उनके लिए लकी है और रॉयल ब्लू कलर भी लकी है, पिंक कलर भी उनके लिए लकी है, पैरेट ग्रीन कलर वो यूज़ में ले सकते हैं, उनके लिए लाल या पीला कलर अनलक्की होता है। इसके जितना कम से कम यूज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। कपड़ों का मामला तो ये है कि अगर आप पार्टी में जा रहे हैं
थोड़ी देर के लिए आपको जाना है तो इन कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन भाग्य को चमकाने के इच्छुक व्यक्ति भूल कर भी इन कलर का प्रयोग ना करें। लाल पीला कलर आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकता है, तो लाल पीले कलर से आपको परहेज करना है। ऑरेंज कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं, गोल्डन कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं। गोल्डन कलर के बजाय भी वह सिल्वर कलर आपके लिए लकी है, सिल्वर कलर का गोल्डन कलर रहने ही दीजिएगा, आप सिल्वर कलर का प्रयोग कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप पर्पल कलर का प्रयोग भी कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो मेष लग्न के लोग भी पर्पल कलर और ऑरेंज कलर का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की। मिथुन लग्न वालों के लिए हरा कलर बहुत लकी है, पैरेट ग्रीन कलर लकी है, हरे रंग के सब शेड लकी हैं उनके लिए। और आप गुलाबी रंग भी ले सकते हैं, नीला रंग भी ले सकते हैं काम में, सफ़ेद रंग तो बहुत लकी है आपके लिए, बहुत लकी है। ऑफ वाइट कलर आपकी किस्मत को चमका सकता है, सिल्वर कलर आपकी किस्मत को चमका सकता है, इन कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं। और कुछ मायने में आप ब्लैक कलर तो अवॉइड ही करें, क्योंकि ब्लैक कलर के बारे में बहुत बातें होती हैं कि किसको सूट करता है किसको सूट नहीं करता। तो अगर आपकी कुंडली में कुछ खास ग्रह स्थिति है तो आपको हम ब्लैक कलर यूज़ करने की सलाह नहीं देते, लेकिन वंस इन ए वाइल आप यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी किसी पार्टी में जा रहे हैं तो तब आप यूज़ कर सकते हैं ब्लैक कलर भी। ब्राउन कलर आपके लिए लकी है, और फालसे वाला जो कलर होता है वो भी आपके लिए लकी होता है। रानी कलर आपके लिए लकी है, पिंक कलर आपके लिए लकी है, पैरेट ग्रीन कलर आपके लिए लकी है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों को सब पीले कलर और लाल कलर लकी हैं, उनका भाग्य चमक सकता है, राजयोग निर्मित हो सकता है। अगर आप ऑफ वाइट कलर का प्रयोग करते हैं, ऑफ वाइट भी आपके लिए सूटेबल है, वाइट कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ग्रे कलर, सिलेटी कलर आपके लिए महा लकी है, सिलेटी कलर का आप कबूतरी कलर का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और आप हरा रंग भूलकर भी यूज़ ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। काला रंग भी आपको भूलकर भी यूज़ नहीं करना चाहिए। काले और हरे रंग ऐसे हैं जो आपका भाग्य चमकने ही नहीं देंगे कभी भी, इन कलर का प्रयोग आप कभी भी मत करिए। और स्पेशली जो हरे बुधवार को हरा पहनते हैं वो भूल जाइए बुधवार को हरा, कर्क लग्न वालों को तो भूल कर भी बुधवार को हरा और शनिवार को काला रंग नहीं पहनना चाहिए, वो बैड लक साबित हो सकता है आपके लिए। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के लिए ऑरेंज कलर, गोल्डन कलर, भगवा कलर बहुत लकी है, और पर्पल कलर भी आपके लिए लकी है। लाल कलर तो सुपर है आपके लिए, और सुपर से ऊपर जिसको बोलते हैं ना, मैरून कलर भी आपके लिए लकी है। तो ये कलर आप यूज़ में लीजिए और अपने भाग्य को चमकाइए। आप हरा कलर भी यूज़ में ले सकते हैं, सफ़ेद कलर भी आप यूज़ में ले सकते हैं, भूल कर भी आपको काला रंग यूज़ में नहीं लेना है, इस चीज़ से परहेज करिए। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों के लिए नीला रंग बहुत लकी होता है, गुलाबी रंग बहुत लकी होता है, रानी कलर लकी होता है, वाइट कलर लकी होता है, ऑफ वाइट कलर लकी होता है, ब्लैक कलर लकी होता है। इस कलर का जितना ज़्यादा प्रयोग आप करेंगे आपकी किस्मत और भाग्य उतना ही चमकेंगे। ग्रे कलर भी आपके लिए लकी होता है, नीला रंग तो होता ही है लकी, नीले के सभी शेड आपके लिए लकी हैं, हल्का गहरा कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको लाल रंग से बचना है, लाल रंग मैरून रंग आपके लिए बैड लक साबित हो सकता है, तो लाल रंग का प्रयोग आप किसी भी रूप में ना करें। और हम बात करते हैं तुला लग्न की। उनके लिए गोल्डन और येलो कलर अनलकी है, गोल्डन और येलो कलर का प्रयोग भूल कर भी ना करें। आप हरा रंग काम में ले सकते हैं, मूंगिया कलर काम में ले सकते हैं, लाल रंग से आपको बचना है, मैरून कलर से आपको बचना है, और सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ है, सलेटी रंग आपके लिए शुभ है, काला रंग तो आपके लिए बहुत शुभ है, और नीला रंग आपके लिए शुभ है, और हरा रंग आपके लिए शुभ है, गुलाबी और रानी कलर आपके लिए शुभ है, गाजरी कलर से भी बचें आप, गाजरी कलर आपके लिए लकी नहीं है, तो गाजरी कलर का भी यूज़ कभी ना लें काम में, आपको इससे आफत मच सकती है ज़िंदगी में। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। मैरून कलर का यूज़ करें, लाल रंग का यूज़ करें, गोल्डन कलर का यूज़ करें, पीले कलर का यूज़ करें, ऑरेंज कलर का यूज़ करें, पर्पल कलर का यूज़ करें, तो आपको भाग्य चमकाने में मदद मिलेगी। आप सफ़ेद रंग का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लाल और मैरून कलर आपके लिए महा लकी होते हैं, तो लाल मैरून कलर का जितना ज़्यादा प्रयोग आप करेंगे उतना ही आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और आप हर काम करने में समर्थ हो सकेंगे। जब हर काम कर पाएंगे तो पैसा तो कमा ही पाएंगे, तो पैसा भी आपके जीवन में मनमान आएगा अगर आप ये कलर यूज़ में लेते हैं। अब हम बात करते हैं धनु लग्न। धनु लग्न वालों को ऑरेंज कलर लकी है, क्रीम कलर लकी है,
और पीला रंग लकी है। पीले रंग के सब शेड, ऑरेंज कलर के सब शेड हल्के गहरे आप यूज़ में ले सकते हैं, ब्राउन कलर आप यूज़ में ले सकते हैं, आप वुड जैसा जो कलर होता है चाय के जैसा कलर आप यूज़ में ले सकते हैं, आप लाल रंग का यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो धनु लग्न वाले हैं वो हरे के भी शेड यूज़ कर सकते हैं और मूंगिया कलर भी उनके लिए शुभ होता है, हरे के कलर सब शेड में वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर लग्न की। बहुत पावरफुल कलर है आपके लिए सिल्वर। सिल्वर कलर और सिल्वर ज्वेलरी आप पहनते हैं तो आपका भाग्य सुपर चमकता है। आपके लिए चमकीले शेड बहुत उत्तम होते हैं, किसी भी तरह से जो चमकीले कलर होते हैं शेड के रूप में चमकने वाले, सिल्वर कलर चमकने वाले वो आप यूज़ में लेते हैं तो आपका भाग्योदय होता है। सिलेटी कलर भी आपके लिए शुभ होता है। ब्लैक कलर के सभी शेड हल्के गहरे आपके लिए शुभ होते हैं, सफ़ेद के सब शेड हल्के गहरे आपके लिए शुभ होते हैं, नीला कलर आपके लिए लकी होता है। आपके लिए लाल रंग भी औसत दर्जे का होता है, उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। ऑरेंज और भगवा कलर और पर्पल कलर आपको भूल कर भी वियर नहीं करना चाहिए, इससे आपको बर्बादी हो सकती है। आप पीले रंग भी यूज़ ना करें, गोल्डन कलर भी यूज़ ना करें। सिल्वर आपके लिए शुभ होता है, सिल्वर कलर और वाइट कलर आपके लिए लकी होते हैं। पिंक कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, पिंक के सभी शेड आप यूज़ कर सकते हैं और येलो के सब शेड अवॉइड करिए, उससे आपका बैड लक हो सकता है। और आपको हरे के सब शेड सूट करेंगे, हरे मूंगिया कलर सूट करेंगे, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए लकी कलर रानी बनता है। रानी कलर का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही उनका भाग्य चमकेगा। पिंक के सभी शेड उनके भाग्य को चमकाने में मददगार होंगे। सिल्वर के सभी शेड आपके किस्मत को चमका सकते हैं। आपको गोल्डन से परहेज करना है, गोल्डन और पीले रंग आपको काम में नहीं लेने हैं, उससे आपको बदकिस्मती का सामना करना पड़ सकता है। आप जो काला रंग है वो आपके लिए लकी है, नीला रंग आपके लिए लकी है, ब्राउन कलर आपके लिए लकी है, ग्रे कलर आपके लिए लकी है और वाइट शाइनिंग वाला वाइट या ऑफ वाइट कलर आपके लिए लकी है। इन कलर का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे आपकी किस्मत उतनी ही जल्दी चमकेगी। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न वालों के लिए गोल्डन कलर बहुत शुभ होता है और गोल्डन ज्वेलरी भी उनके लिए बहुत शुभ होती है। वो ऑरेंज कलर का प्रयोग भूल कर भी ना करें, इससे उनको नुकसान पहुंच सकता है। सफ़ेद रंग का भी प्रयोग वो ना करें। पिंक कलर का प्रयोग भी बर्बादी का कारण बन सकता है। आपको शुभ रंग होते हैं पीले, गोल्डन, पीले के सब शेड आप यूज़ में ले सकते हैं, लाल के सब शेड आप यूज़ में ले सकते हैं, लाल मैरून के सब शेड आप यूज़ में ले सकते हैं, इससे आपका भाग्य दिन दोगुनी रात चौगुनी स्पीड से चमकेगा। आज हमने लकी कलर आपको बताए और आप इन कलर के कंट्रास्ट वाले कपड़े पहनते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे लाल के साथ हरा बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, वो विपरीत होता है, और काले के साथ सफ़ेद पहना जा सकता है। आपको हरा के कंट्रास्ट चाहिए तो रानी कलर का यूज़ ले सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये कंट्रास्ट सुपर्ब होते हैं, जिन अब आप अपनी चॉइस से कोई से भी कलर के कपड़े सिलवा सकते हैं। हमने आपको लग्न के हिसाब से लकी कलर बताए तो ये आप अवश्य करिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इन्हीं कलर की आप बिंदी लगाते हैं जो आपके लिए लकी कलर हैं, एसेसरीज काम में लेते हैं वो जो आपके लिए लकी हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।